उसके बाद सर वो वैष्णो देवी लेके गए, वहाँ पे भी उन्होंने जबरन शोषण किया, नेचुरली अननेचुरली दोनों तरफ से सेक्स किया। मुझसे बोले 17 जुलाई कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हम तुमसे अब शादी नहीं करेंगे, मुझे 12 लाख रुपये दहेज मिल रहा है और उसका भाई मुझे फ़ोन कर करके धमकी दे रहा है अब कि तेरे अंदर हम तेरा ये कर देंगे, हम तेरा वो कर देंगे। तुम स्वागत है आपका मूव मीडिया में, आपके साथ मैं हूं अदिति सिंह। ट्रेन में हुआ इकरार, कानपुर में प्यार, मलानी में भरी मांग, लेकिन अब शादी से क्यों इनकार। दरअसल ये मामला बिहार के गया जिले का है, जहां पर प्यार और शादी का झांसा देकर प्रेमी द्वारा एक महिला के साथ 2 साल तक यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। प्रेमिका ने कई बार भी उसके कहने पर जब प्रेमी ने शादी से इनकार किया, तब प्रेमिका ने न्याय की गुहार लगाने के लिए कानपुर से चलकर एसएसपी कार्यालय पहुंच गई। ग्राम मंझार गया के रहने वाले हैं, उनसे मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई थी, तो उन्होंने मेरे से नंबर एक्सचेंज किया, नंबर लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत से प्यार भरी बातें, मेरे घर पे भी आए, उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी रखा कि मेरे फादर भी रेलवे में थे, रिटायर हो गए जो कि, तो हम दोनों रेलवे से हैं, अच्छा रिश्ता बनेगा, ऐसे ऐसे करके बातें करी, बहुत सी बातें जो कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ बातें करी। उन्होंने मुझे कानपुर बुलाया, कानपुर से वो विंध्याचल लेके गए, वहाँ पर भी उन्होंने मांग भरी और रूम बुक करके उन्होंने मेरा जबरन शोषण किया। उसके बाद सर वो वैष्णो देवी लेके गए, वहाँ पर भी उन्होंने जबरन शोषण किया, नेचुरली अननेचुरली दोनों तरफ से सेक्स किया। मना करने पे उन्होंने मेरा हाथ भी जलाया, बहुत मारपीट करी, जिसके मेरे पास एविडेंस भी हैं। और उसके बाद कानपुर में 2 साल से मुझे रख के शादी का झांसा देते हुए उन मना कर दिया। 17 तारीख को मुझसे बोले 17 जुलाई कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हम तुमसे अब शादी नहीं करेंगे, मुझे 12 लाख रुपये दहेज मिल रहा है और उसका भाई मुझे फ़ोन कर करके धमकी दे रहा है अब कि तेरा ये कर देंगे, हम तेरा वो कर देंगे। तुम उनसे मुलाकात कब और कहाँ हुई? नवंबर 2019। कहाँ हुई? कानपुर में, कानपुर सेंट्रल ऊंचाहा एक्सप्रेस पे, मैं कानपुर से दिल्ली जा रही थी। अच्छा, हाँ जी। तो उस समय क्या ये बोलना था, क्या बोल करके आपसे ये मतलब प्यार किया? शादी का प्रस्ताव रखा था उन्होंने मुझे। अच्छा, हाँ जी। तो कितने दिन आप दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला? 2 साल से ऊपर चल। अभी क्या परेशानी हो रही है आपकी? अभी वो शादी करने से इनकार कर रहा है और हम शादी नहीं करेंगे, अब उसे दहेज मिल रहा है, मेरे फादर ने दहेज नहीं दिया और उसे दहेज चाहिए, अब उसका मेन मोटिव यही है कि दहेज चाहिए। तो क्या वो दूसरी जगह शादी कर रहा है? हाँ, वो दूसरी जगह शादी कर रहा है, उसके नवंबर में शादी तय हो चुकी है। क्या चाहती है? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और मुझे न्याय चाहिए, और जैसे उसने मेरे साथ करा मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती हूँ। अभी आप कहाँ आए हुए थे? मैं यहाँ पे गया में ही आई थी, सर के पास आई, सर ने भी कोई अच्छा जवाब नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिस रिस्पॉन्स के लिए मुझे यहाँ पे आना था। मैं तो बाहर से आई हूँ, मुझे अगर पुलिस ही प्रोटेक्शन नहीं देगी तो फिर मुझे फिर क्या फ़ायदा? सर क्या मिला अंदर? उन्होंने बोला कि आप परैया जाइए, परैया थाना जाइए, वहाँ पे ही होगा। मैंने बोला मैं उनके घर जाना चाहती हूँ, मुझे उनसे मिलना है, वहाँ की जनता से भी मिलना है। तो उन्होंने बोला हाँ जाइए, मेरे से अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होती है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उन्होंने बोला कि आप थाने में जाके मिलिए पहले। थाने में क्या मतलब, एक यहाँ पे एसएसपी वो बैठते हैं, उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं है मेरा केस कानपुर का है तो मतलब कानपुर ही पूरी रिस्पॉन्सिबल है, रहने वाला वो बंदा तो यहाँ का है, यहाँ से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, उसका भाई तो यहाँ रहता है। ठीक है, क्या नाम है? सुवर्णा बनर्जी। क्या करती हैं मैम आप? फिलहाल मैं हाउस वाइफ हूँ, पहले मैं एम्स हॉस्पिटल में एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। लव, सेक्स और धोखा का ये मामला कानपुर शहर के रहने वाली लड़की से जुड़ा है, जबकि युवक पराया थाना क्षेत्र का है। पीड़िता महिला ने बताया कि मेरे और योगेश कुमार के बीच चलती ट्रेन में मुलाकात हुई थी और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई और उसके बाद लिव इन में 2 साल से साथ रह रहे थे। प्रेमिका ने बताया कि 2 साल पहले कई बार वह मुझे बाहर भी लेकर गया, जहां मेरे साथ गलत कार्य किया गया। जब मैंने शादी की बात की तो एक दिन योगेश ने आकर मंदिर में मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और कहने लगा कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। पर पिछले कुछ महीनों से योगेश मेरे साथ लगातार मारपीट कर रहा है और उसके बाद वह कानपुर से ट्रांसफर लेकर गया आ गया और दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है। कौन सा वाला? ये एक महिला आई है सुवर्णा बनर्जी करके, ये रहने वाली कानपुर की हैं और इनके पिता टिटी रेलवे में हैं और इनका ये कहना है कि किसी से इनकी मुलाकात हुई जो रेलवे में ही टिटी थे,
वो भी ये रहने वाले यहाँ परैया के हैं और उनके साथ ज़बरदस्ती करी। ज़बरदस्ती करने का मतलब ये इसमें इन्होंने बताया है कि अपनी मर्ज़ी से गई थी और वहाँ जाके इनका जो भी रिलेशन रहा हो उसी में इन्होंने केस भी दर्ज किया है कानपुर में। कानपुर में जो केस दर्ज किया उसमें पुलिस यहाँ आई थी तो यहाँ की हमारी परैया थाने की पुलिस ने छानबीन करवा के उनके साथ रेड मरने भी गई थी, वो सब फरार पाए गए थे। आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो करी जा रही है वहाँ के, उससे हम लोगों का भी जो हम लोगों को सपोर्ट देना है हम लोग भी अपने ऐसे सपोर्ट देंगे। पीड़िता महिला आज न्याय की गुहार लेकर गया के एसएसपी आदित्य कुमार से मिलने पहुंची। युवक युवती ने बताया कि योगेश का भाई ने उसको फोन से लगातार उसको धमकी दे रहा है कि तुम्हारा रेप कर दूंगा। इस मामले को लेकर एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स से बताना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।